स्पिरट्स मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एस एस बी क्रैक एग्जाम चैनल पर तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक और नए टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू साइक्लोन मिकजॉक हम जानेंगे पूरा का पूरा साइक्लॉन मेकजॉम के बारे में कि कैसे ओरिजिनेट हुआ और इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करंट सीना चल रहा है कौन से स्टेट इससे so, बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें सो इट इज टर्न इन टू अर साइक्लोनिक स्टॉम जो है नाम है दैट इज द मैगजॉम जिसका प्रोनाउंसिएशन मिगजॉम ये प्रपोज किया गया है म्यांमार के थ्रू एंड जिसका मतलब है सिंबलाइजेड स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस सो so, मेक्म का जो मीनिंग है दैट इज स्ट्रेंथ एंड रिजिल द म्यांमार ने ये नाम प्रपोज किया है सो दिस वन इज द फोर्थ साइक्लॉनिक स्टॉम इन बे ऑफ बंगाल एंड सिक्स इन द इंडियन ओशन अगर हम 2023 की बात करें और जो इस टाइम पे न्यूज अपडेट्स है जो सबसे बड़ा खतरा चल रहा है दैट इज दी रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश सो दीज आर द टू स्टेट जो इससे सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है अब आते हैं कि इस टाइम पे कौन से स्टेट में क्या सिचुएशन चल रही है तो जैसे कि मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही हाई अलर्ट पे चल रहे हैं सबसे ज्यादा इससे वर्सन इफेक्ट हमें इसमें देखने को मिला है द आंध्र प्रदेश कोस बिटवीन नल्लोर एंड मछलीपट्टनम आज ही दैट इज फिफ्थ दिसंबर आई के द्वारा आज ही इस पर्टिकुलर एरिया को ये क्रॉस करेगा हेवी रेनफॉल देखने को मिली अराउंड तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सदर उड़ीसा एंड हाई इंटेंसिटी साइक्लोन अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का साइक्लोन इस पर्टिकुलर टाइम पे होना अनयूजअल है ऐसा सिवियर साइक्लोन इस टाइम पे नहीं देखा जाता तो हम एंड वीडियो के एंड में जानेंगे कि क्यों इस तरह का सिवियर साइक्लोन इस टाइम पे हमें देखने को मिला लेकिन साथ ही पांच लोगों की मौत भी हो चुकी है इसी पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से ताकि जो लोगों का क्रॉप डैमेज हमें देखने को मिला है साथ ही एक्सट्रीमली एक्सट्रीमलीवी रेन जो आईएमडी ने बोला है होगा दैट अराउंड गोदावरी कृष्णा विशाखापट्टनमंगम कुरनूल एंड आंध्र प्रदेश इन सब एरिया में आईएमडी ने कहा है कि बिल्कुल एक्सट्रीम रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पर जो है दैट इज द क्रॉप्स पेडी पाइन एप्पल स्टैंडिंग क्रॉप जो कि इस टाइम पे हार्वेस्टिंग के पास हैं, इनको कटाई का टाइम आ चुका है और इस टाइम पे इस तरह की रेनफॉल से पूरा का पूरा क्रॉप डैमेज हमें देखने को मिला है So, Paddy pineapple and other standing crops that are nearing harvest could hit due to extremely heavy rainfall. Severe cyclonic storm has potential to cause uprooting of a small and medium trees. So, ये जो particular cyclone है, ये इतना strong है कि normal small या जो medium trees हैं, इनको खा सकता है. Last scale damage to the hutments and the mud houses. जो normal कच्चे houses हम देखने को मिलते हैं, तो इन सब चीजों को बहुत ज़्यादा loss हो सकता है, because ये काफी ज़्यादा severe cyclone के अंदर ये बदल चुका है. इलेक्ट्रिक पोल्स वैसे भी हम जानते हैं जब भी इस तरह का हमें कोई डिजास्टर देखने को मिलता है तो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होना सिविलेंस के लिए डेंजर होना तो इन सबके ऊपर तो हम सब जानते हैं बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो इंडियन आर्मी इस टाइम तक तीन सौ सिविल्स लोगों को यहां पे बचा चुकी है जो कि फ्लड्स की, की वजह से वहां पे थे एंड वन थर्टी फाइव पर्सनल को जो इक्विप किया गया है रिसोर्सेज लाइक बोट्स एंड फ्लड रिलीफ सप्लाईज ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है प्रॉपरली चल सके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन खुद वो पर्टिकुलरली अफेक्टेड एरियाज में गए थे देखने के लिए रेन रिलीफ कैंप्स में उन्होंने विजिट किया देखने के लिए कि क्या फैसिलिटीज हैं क्या उनके लिए अरेंज की जा सकती है सेंटर गवर्नमेंट बिल्कुल कांटेक्ट में है स्टेट्स के साथ ताकि जो भी ये पर्टिकुलरली डिजास्टर है उससे आराम से बचा जाया जा सके किचन खाना ये सब चीजें अरेंज की गई है स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट मिलकर इसमें काम कर रहे हैं सो so, 162 सेंटर्स विद करेंटली इन ऑपरेशन ऑफ 43 केटरिंग टू नीड ऑफ 2477 रेजिडेंट्स फ्रॉम चेन्नई इसी पर जो बात की जा रही है कि चेन्नई के जो 2015 के फ्लड से कंडीशन फिर से वापस ना बन जाए तो इस चीज का भी प्रॉपरली रहा है अब मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे क्यों ये अनयल साइक्लोन है सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हम सब जानते हैं साइक्लोन के लिए वी नीड अ पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर अराउंड ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर्मेशन के हमने कुछ बेसिक फीचर्स हम जानते हैं ताकि एक लो प्रेशर एरिया बने ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन सो so, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम ऑलरेडी डिसंबर मंथ में उस टाइम पे हाई टेम्परेचर मिलना और इस तरह का साइक्लोन का इंटेंसिफाई होना नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि डिसंबर इज द मंथ जहां पे हमें नॉर्मली टेम्परेचर कम देखने को मिलता है बट यहां पर हुआ उल्ट से उल्टा अनफेवरेबल ओशियन कंडीन स्ट्रॉम्स एट डेवलप ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन इन डिसंबर डोंट यूजली अटेन द डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिफाइज बिकॉज रीजन इज साइक्लोन के मैन्युफैक्चर बनने का फॉर्मेशन के पीछे की बेसिक जो नीड है वो ही हमें एक हाई टेम्परेचर चाहिए लेकिन इस टाइम पे वो नहीं था लेकिन इससे अब जो इंटेंसिफाई हुआ मिगजॉम की बात करें सो दैट इज ड्यू टू वट अनफेवरेबल ओशियन कंडीशन हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स पैकिंग हाई स्पीड्स एंड रिंगिंग हैवी एंड वाइट स्प्रेड रेन सच एस मेक्जॉम आर नॉट कॉमन तो आईएमडी ने इसी पर्टिकुलर क्योंकि दिसंबर में इस तरह के हमें नहीं देखने को मिलते तो आईएमडी ने पहले एज अ नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको डिक्लेयर किया था बट नाउ दे आल्सो हैड अपग्रेडेड इट टू द दिवियर स्टॉर्म और ये जो इंटेंसिफिकेशन है साइक्लोन की यूनिक है एंड द रीजन इज द अब इंडेक्स है जो नॉर्मल साइक्लोन माना जा रहा था ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा दैट इन टू अर साइक्लॉन एक स्ट्रॉन्ग एंड नो डाउट इसे बहुत ज्यादा हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है पूरी नॉर्मल लाइफ इवन

अपडेट फॉर द साइक् रिलेटेड टू एस एस बी इंटरव्यू एस एस बी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपकी एस एस बी इंटरव्यू की बिल्कुल ऑनलाइन हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेस रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम आपको इनमें एनडीए सी डी एस एफ कैट की तैयारी कराई जाती है एंड uh, आप जब भी किसी कोर्स में एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें जैसे आप इस कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर जय हिंद जय भारत अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू NDA CDS AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं